हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं फिर से आप लोगों का एक्टिव एंड पैसिव का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं सर कि कल के वीडियोस में हम लोग यह देखे थे जो हमारा टेंस के अंतर्गत जो हमारे सेंटेंस आ रहा था, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो सेंटेंसेस आ रहे थे उसको हम एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से चेंज करते थे, किस तरीके से बदलते थे, ये सारी चीजें हम लोग फर्स्ट वीडियोस में क्या कर चुके हैं देख चुके हैं। आज हम लोग एक्टिव पैसिव का सेकेंड पार्ट लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं। आप लोग ध्यान से अच्छे तरीके से आप लोग स्टडी कीजिए। चलिए देखिए मेरे प्यारे कि आज हम लोग सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ते क्या है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग एक्टिव पैसिव में क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे, आइए हम लोग देखते हैं। एक्टिव पैसिव सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़े थे सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में हम कैसे बनाएंगे, यानी एक्टिव से पैसिव में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। कल हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आ जा रहा है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, तो उन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे और आपके इसके बीच में कोई भी डाउट्स नहीं रहने दिया जाएगा। चलिए आइए हम लोग करते हैं कि अगर सेंटेंसेस आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आ जाए तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, किसके अंतर्गत एक्टिव पैसिव हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत किसके अध्ययन कर पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। कल हम लोग देखे थे किसके बारे में देखे थे मेरे प्यारे, अफर्मेटिव के बारे में। कल हम लोग अफर्मेटिव के सेंटेंस जो हमारे थे उसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीजें कल हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को अध्ययन करना है इसका सेकेंड पार्ट, कौन सा पार्ट मेरे प्यारे, नेगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग अध्ययन करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कि एक एक मात्र एक एक एग्जाम्पल हम लोगों को देखना है, एक एक एग्जाम्पल मात्र आप लोगों को बताया जाएगा और एक एग्जाम्पल से आप 10 क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे और आपको कोई भी डाउट्स आपको एक्टिव पैसे में रह नहीं दिया जाएगा, यानी आपके पास डाउट रहेगा ही नहीं, ऐसा आपको कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि इसका एक्टिव वॉइस का रोल क्या होता है, कि इसमें क्या करेंगे मेरे प्यारे, कि इसमें भी क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या लगा देते थे मेरे प्यारे, डू नॉट और डज नॉट यूज होता था। अगर आपका सिंगुलर क्या है सब्जेक्ट जो अगर है सिंगुलर है तो आप डज नॉट यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है डू नॉट, इसके साथ साथ आपका कौन सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता था, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ये हमारा क्या कहलाएगा मेरे प्यारे, ए बनेगा हमारा एक्टिव वॉइस, क्या बनेगा एक्टिव वॉइस। ये रूल है स्ट्रक्चर किसका, एक्टिव वॉइस का है। अब इसको हम पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बताया था, जो सब्जेक्ट होगा वह ऑब्जेक्ट बनेगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वह सब्जेक्ट बनेगा, यही तो रूल होता है एक्टिव एंड पैसिव का। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि अब इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या ए है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या ए है। अब अगर ए ऑब्जेक्ट है तो इसको ला करके यहाँ क्या कर देंगे, क्या बना देंगे पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट बनाएंगे। और मैंने बताया था इसमें जब आप क्या करेंगे कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे कि इसमें हम देख रहे थे एक्टिव वॉइस में डू नॉट या डज नॉट है, लेकिन इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, अफर्मेटिव हम लोग देख रहे थे जब कन्वर्ट कर रहे थे तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब ला करके रख रहे थे, यानी इज आर एम यूज हो रहा था तो वही हेल्पिंग वर्ब इसमें भी यूज होगा, केवल हमारा क्या हो जाएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके बाद नॉट का यूज हो जाएगा। जैसे इसमें डू नॉट या डज नॉट, यानी डू के बाद नॉट लगा है डज के बाद नॉट लगा है, वैसे इसमें भी क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगेगा प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि जब पैसिव वॉइस आपका जो रहेगा उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है मेरे प्यारे, थर्ड फॉर्म, प्लस आपका यह जो थर्ड फॉर्म रहेगा ये किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, बाय के साथ, साथ बाय जो लेगा, प्लस इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वह किसका रूप ले लेगा ऑब्जेक्ट का, और बाकी जो बचा हुआ रहेगा यह सेंटेंसेस हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे पैसिव वॉइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस। अब हम लोग कोई भी डाउट्स नहीं है क्योंकि हमें किसी भी काम को करने के लिए एक नियम चाहिए, अगर वह नियम हमें पता है तो उस नियम के अकॉर्डिंग हम उस काम को एकदम अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस पे एक एग्जांपल देखते हैं कि एक एग्जांपल के सारे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मेरे प्यारे मैंने बोला क्या कि ही डज नॉट राइट अ लेटर, यह सेंटेंसेस हमारा क्या मेरे प्यारे एक्टिव वॉइस है, क्या है एक्टिव वॉइस है, कैसे ही डज नॉट राइट, वह नहीं लिखता अ लेटर यानी पत्र, वह पत्र नहीं लिखता है,
वह पत्र नहीं लिखता। जब इसको हम पैसिवाइज करेंगे, सबसे पहले आपको ढूंढना मेरे प्यारे है कि सर इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब कौन सा वर्ड है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा वर्ड है। यानी मेनली आपको दो देखना, एक सब्जेक्ट देख लीजिएगा और एक क्या देख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसी दोनों को हमें क्या करना पड़ता, चेंजेस करना पड़ता। आइए हम लोग देखते हैं, हमने क्या कहा कि वह लिखता है, लिखना वर्ड तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब है, डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और क्या लिखता है आप बता सकते हैं मेरे प्यारे, पत्र लिखता है, यानी जो होगा यही क्या होगा मेरे प्यारे, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये वर्ड हमारा राइट क्या हो गया मेरे प्यारे, मेन वर्ब। और ये डेस्क क्या हो गया, ये हमारा एसबी यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया। और ये हमारा क्या, सब्जेक्ट। जब सब हम अब हम क्या कर चुके हैं कि सारे वर्ड्स का आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो हमें डर किस बात की है पैसिव वॉइस में चेंज करना, हमें कोई डर है नहीं है मेरे प्यारे, हम आसानी से चेंज कर सकते हैं कि जो हाई देख रहे हैं ऑब्जेक्ट वाला जो दिख रहा है लास्ट में ना, इसको ला करके हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। ला करके यहाँ लिख दीजिए, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ऑल लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसके साथ, क्या जुड़ेगा मेरे प्यारे, एज, क्योंकि सिंगुलर है ना, एक ही पत्र लिखा जा रहा है ना, क्या हो जाएगा एज। इसके बाद हमारा क्या जो नॉट वर्ड था उसे हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ऑल लेटर इज नॉट। वर्ब का कौन सा फॉर्म मेरे रूल के अकॉर्डिंग, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, रिटन। ऑल लेटर इज नॉट रिटन के बाद हमारा रूल क्या था, बाय जोड़ दीजिए, बाय हो गया। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट था वह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। और ए आपका बन गया मेरे प्यारे क्या, पैसिव वॉइस। यानी हम कह सकते हैं डायरेक्टली आप यह कर दीजिएगा, सीधे सी बात पॉइंट में एक दिमाग में आप लोगों को बैठा लीजिएगा, एक पॉइंट सिर्फ क्या कि जो सब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में आकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा पैसिव वॉइस में वह जाकर के क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और जो नया सब्जेक्ट होगा वह अपने से अगले वाले टेंस के पार्ट का क्या उठा लेगा, हेल्पिंग वर्ब उठा लेगा। और हमेशा पैसिव वॉइस में क्या होता है मेरे प्यारे, आपको जानना पड़ेगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, अर्थात हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को भी क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस कर सकते हैं। आइए ये हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, इसमें मात्र एक एग्जाम्पल हम लोग क्या कर लेते हैं और देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, यू डू नॉट रेड द बुक, यू डू नॉट रेड द बुक, ये सेंटेंसेस हमारा क्या एक्टिव वॉइस है। और कैसे, फर्स्ट बीजी उसमें मैंने आपको बता दिया था, फर्स्ट पार्ट एक्टिव पैसिव का फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया था, सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका डूअर है तो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस होगा, सब्जेक्ट अगर आपका नॉन डूअर है सेंटेंस यानी आपका क्या होगा मेरे प्यारे, पैसिव वॉइस होगा। ये चीज यहाँ पर देखिएगा, यू डू नॉट रीड द बुक, तुम किताब नहीं पढ़ते हो कहा जा रहा था इसमें, तुम नहीं पढ़ते यानी तुम्हारे द्वारा काम किया जा रहा है ना, नहीं किया जा रहा, बात यही है। तो हमारा जब इसको करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। तो हम इसको उठा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, द बुक इज नॉट रेड बाय यू, ये क्या हमारा हो गया मेरे प्यारे, पैसिव वॉइस हो गया। क्या हो गया, पैसिव। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए क्या हो गया, जैसे मैंने कहा लेटर इज नॉट, सॉरी, He does not write a letter. वह पत्र नहीं लिखता है, इसका पैसिव वॉइस, और लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, यानी पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है। ये हो गया, यू डू नॉट रीड द बुक, यानी तुम किताब नहीं पढ़ते हो। क्या हो जाएगा, आ बुक इज नॉट रीड बाय यू, किताब तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ी जाती है। अब देखिए इसमें किताब, इसमें आ लेटर और इसमें द बुक, ये दोनों क्या बन गए, सब्जेक्ट बन गए हैं, ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। और मैंने बताया था सब्जेक्ट है, क्या लेटर कभी खुद को लिखेगा मेरे प्यारे, नहीं लिखेगा। किताब को भी खुद को पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी। इन दोनों के ऊपर कोई दूसरा काम करेगा, बट वह सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो इन्हें बनाया गया ना, अर्थात सब्जेक्ट हमारा क्या दिख रहा है, नॉन डूअर दिख रहा है, अर्थात ये दोनों सेंटेंसेस हमारे क्या होंगे, पैसिव वॉइस होंगे। अर्थात इस रूल के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में बहुत आसानी से सेंटेंसेस चेंज करते हैं। प्लीज राइट योर कॉपी, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए स्क्रीनशॉट। तो हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो आइए हम लोग चलते हैं नंबर थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तुमने बताया था ऐसा सेंटेंस जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाने काम होता है। और मैंने यह भी टेंसेस में आपको बता दिया कि यह दो प्रकार के होते हैं, यस या नो टाइप्स, एक सेंटेंस फ्रेम होता है, एक डब्ल्यू एस टाइप फ्रेम होता है।
एक यस या नो टाइप सेंटेंसेस फ्रेम करता है और एक डब्ल्यू एस टाइप फ्रेम करता है। यस या नो टाइप क्या होता है कि जिसका जवाब आप हाँ या ना यानी यस या नो में देते हैं, और हमारा डब्ल्यू एस टाइप वो होता है जिसका जवाब एक एक्सप्लेन में दिया जाता है। बात ये तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, किसके बारे में अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले, आइए हम लोग पढ़ते हैं यस या नो टाइप्स दोनों का हम लोग रूल लिखेंगे, और रूल के बाद उसमें एक एक एग्जांपल से हम लोग क्या करेंगे समझेंगे कि सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन सा सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसका इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो जब आपका क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आएगा तो आपको टेंस में आपको बता दिया गया पूरे, अगर टेंस आपको नहीं कन्फर्म है आप हमारे जाइए टेंस के पार्ट में पढ़िए और आप याद रखिएगा पूरा आपका टेंसेस डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, यानी क्लियर किया गया उसमें आपको टेंस आ जाएगा, फिर आप दौड़ के चले जाइएगा एक्टिव पैसिव के पास, और एक्टिव पैसिव आपको आसानी से, अगर आपको टेंस आ रहा है ये आसानी से आप फ्रेम कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं यस या नो टाइप्स में क्या होता है, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आ रहा है तो उसकी इंग्लिश ना लिखकर उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे सब्जेक्ट हो जाता था, फिर उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा जो सेंटेंसेस बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे एक्टिव वॉइस होगा, क्या होगा एक्टिव वॉइस होगा। जब इसको क्या करेंगे, जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे क्या करेंगे, यहाँ देखो डू और डज को छोड़ दो, यहाँ से सेंटेंस ये तो अफर्मेटिव का दिख रहा है ना, यहाँ देख लीजिएगा सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये तो देखिएगा अगर हम डू या डस को हटा दे रहे हैं ये हमारा सेंटेंसेस किसमें दिख रहा है, देख लीजिएगा किसमें दिख रहा है अफर्मेटिव ना, और अफर्मेटिव का रूल आपको पता है कि हम क्या करेंगे इसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले आइए देखो हम इसको क्या बना लेते हैं सब्जेक्ट बना लेते हैं, और इस सब्जेक्ट को देखो ध्यान से सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट बाद डू या डस यहाँ लगाया ना, तो इससे पहले जहां पर डू डस लगा तो वहीं पर हम क्या लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब इज आर I am helping verb क्या करेंगे लगा देंगे, और इसके तुरंत बाद हमारा जो verb है verb का कौन सा form add हो जाएगा मेरे प्यारे third form, और ये third form किससे जुड़ जाएगा by, और by के बाद जो subject था ये किसका रूप ले लेगा object का रूप ले लेगा, और plus जो बचा other word a question mark a sentence हमारा क्या बनेगा इसके अंतर्गत इस rule के अंतर्गत passive voice, ठीक। आइए हम लोग इसका क्या कर लेते हैं समझ में, जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच यानी सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो उसकी इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, उसके तुरंत बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ड लगा देते हैं डू या डस, प्लस इसके बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस इसके बाद आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सेंटेंसेस किसका चला इंट्रोगेटिव का, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना नहीं भूलना, ये सेंटेंसेस हमारा क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस का होगा। जब इसको पैसिव वॉइस में मैंने कहा इतना छोड़ दीजिए, ये सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव ना, इसको बदल दीजिए कि आकर के किसका रूप ले लेगा सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म हम क्या करेंगे यूज कर देंगे, और ये थर्ड फॉर्म किससे जुड़ जाएगा बाय से, किससे जुड़ेगा बाय, बाय के बाद हमारा क्या हो जाएगा जो सब्जेक्ट रहेगा किसका रूप ले लेगा ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंसेस आपका क्या बनेगा मेरे प्यारे पैसिव वॉइस कैसे, लेकिन जो यहाँ पर बचा हुआ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है क्वेश्चन वर्ड रहेगा, प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा डू या डस की जगह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे इज आर एम, ये आपका दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गया कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया दोनों स्ट्रक्चर, किसके दोनों स्ट्रक्चर क्लियर हुए मेरे प्यारे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, यानी दोनों रूल आपका क्लियर हो गया एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइए सिर्फ हम लोग एक एक एग्जांपल देख लेते हैं मेरे प्यारे, आइए सबसे पहला हम लोग पहले का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला क्या डू यू रीड द बुक, डू यू रीड द बुक, कहने का मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो, ये सेंटेंसेस हमारा क्या एक्टिव वॉइस है। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यहाँ देखिएगा कि हम ये देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाइए कि हमें देखो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ है, तो ये हम छोड़ देंगे तो हमारा ये सेंटेंस अफर्मेटिव तो दिख रहा है ना, जिसको हम चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा द बुक, यानी एक बुक की बात हो रही है इज हो जाएगा, तो इज यहाँ पर लगेगा मेरे प्यार नहीं लगेगा, यहाँ पर इज नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा, अगर यहाँ लगा देंगे तो आपका सेंटेंसेस क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि हमारा यहाँ पर आया हुआ तो हमारा इज जो होगा मेरे प्यारे तो कहाँ लग जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, यानी हो जाएगा इज द बुक रीड बाय, क्या हो जाएगा रीड बाय यू,
यानी पूछा जा रहा है ये सेंटेंसेस आपका क्या हो गया मेरे प्यारे पैसिव वॉइस का कह रहा है कि क्या किताब तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाती है, यानी ये सेंटेंसेस कह रहा है क्या तुम किताब पढ़ते हो और ये कह रहा है क्या किताब तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाती है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में क्या करेंगे मेरे प्यारे चेंज करेंगे अर्थात बदल सकते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल दूसरे का देख लेते हैं, किसी को उठा लीजिए। जैसे मैंने बोला कि व्हाई डू यू रीड द बुक, Why do you read the book? ये active voice का sentences है। Why do you read the book? ये active voice का sentence है मेरे प्यारे। तो हम वही करेंगे, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये sentences हमारा permit हुए। सबसे पहले इसे कर लो the book। यहाँ पर तो इज आर हम नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये तो हमारा इंट्रोगेटिव का चल रहा है, जहाँ वही लगा दीजिए जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड वही उतार लीजिए। और इसके बाद क्या लगा देंगे, किताब के अकॉर्डिंग सिंगुलर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ड भी क्या हो गया सिंगुलर। व्हाई इज द बुक रीड बाय यू, इस सेंटेंस हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे पैसिव वॉइस। इस तरीके से रूल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आप एक नहीं बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। बस एक बार आप लोग अच्छे तरीके से क्या करना है, आपको पूरा का पूरा क्या करना है मेरे प्यारे, आपको क्लियर करना है। और क्या क्लियर करना है, रूल। अगर आपको रूल पूरी तरीके से क्लियर मेरे प्यारे, तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे आइए हम लोग समझ लेते हैं, डू यू रीड द बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो, हो जाएगा इज द बुक रीड बाय यू, क्या किताब तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाती है। दूसरी चीज है व्हाई डू यू रीड द बुक, तुम किताब क्यों पढ़ते हो, ये हो जाएगा व्हाई इज द बुक रीड बाय यू, किताब तुम्हारे द्वारा क्यों पढ़ी जाती है। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आएगी एक्टिव और पैसिव के अंतर्गत और जो सेंटेंसेस पढ़ा जा रहा है, हमारे कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा सर आई हैव अ प्रॉब्लम, तो वह प्रॉब्लम्स आपको क्या किया जाएगा, क्लियर कर लिया जाएगा। प्लीज राइट योर कॉपी एंड स्क्रीनशॉट।